जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है, और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उन्होंने उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है, प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। इफ वी वर इंडिफरेंट टू चाइना, हु सेंट द इंडियन आर्मी टू द बॉर्डर्स? इफ वी वर इंडिफरेंट टू चाइना, व्हाई आर वी टुडे प्रेसिंग चाइना ऑन डिसएंगेजमेंट एंड डीएस्केलेशन? व्हाई आर वी सेइंग पब्लिकली दैट आवर टाइज आर नॉट नॉर्मल? सो वी हैव नो प्रॉब्लम इफ देयर इज पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इफ देयर इज इवन पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. Yeah. When our jawans, sir, are standing, sir, our jawans are standing, sir, in Yangtze. In Yangtze at 13,000 feet, yeah. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. Sir, our jawans are standing their ground. Please. So they should be respected. Yes. They should be honored. They should be appreciated. This is not something which is appropriate.